भारत माता की जय। भारत माता की जय। शहीद मंगल पांडे अमर रहे। शहीद मंगल पांडे अमर रहे। शहीद मंगल पांडे अमर रहे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुभाष चंद्र बसुर मूर्ति जदि एखे बसते परे तो मंगल पांडे मूर्ति क्यों बसबे। देखो एक कथा जे कथा एक आगे बोल मंगल पांडे किन्तु भारतवर्षे प्रत्येक सम्प्रदायर मानुष के जुड़े किन्तु एक यूनिटर माध्यमे एक शक्ति जाग्रत कर स्वाधीनता आंदोलन के बार्ता दिए माननीय आचार्य जी जे कथा मन जे अंत पक्षे ए बेपारे चिंता करा दरकार जे जदि मध्य यूनिटी जदि मध्य ना थे एर मध्य जदि फाटल धरे जाए कोनो काज ही पक्षे करा सम्भव हबे एखाने बांगाली हिंदीभाषी एखाने कोनो ब्यापार नय। आज के सुभाष चंद्र बसु जे रकम एक स्वाधीनता संग्रामी मंगल पांडे क्योंकि बड़ एक स्वाधीनता संग्रामी प्रत्येक जाति गोष्ठी सम्प्रदायर मानुष क्या स्वीकार करी ये मानी। सुभाष चंद्र बसुर मूर्ति एखे बसे मंगल पांडे जी मूर्ति बसते भारतवर्षर बर्तमान जो सरकार अपना जो लक्ष्य करें अपना देखते पा स्वाधीनतार 75 बचर अमृतकाल अमृत महोत्सव चलते अमृत महोत्सव स्वाधीनता आंदोलन जरा तर योगदान रेखे से खुजे बेर तीन प्रदर्शन करा जाए। मंगल पांडे क्यों ना दृढ़ संकल्प नहीं गुली कर से गुलीते गए सिपाही अनेक इंग्रेजा आहत हो मरे मारा गए से हिसाब से ब्रिटिश सरकार तक का ब्रिटिश शासन छो से शासन उना के फाँसी पास झुलानो आज के दिन आज के 8 अप्रैल हाँ 1957 और भारत सरकार उना के 1984 ख्रीटाब्दे उना के डाक टिकट हिसाब से उना के प्रथम उना के सम्बुद्धि कर आदिशिक थे एकदम कैपिटल डेवलपमेंट जाते फ्लाईओवर तो अभी जरा आयोजक आज तक अनुरोध रखब इतना ठीक हतो जो मंगल पांडे मुक्ति बस वही जगह तो नाम हमें यह सब जगह सैडे बसा भविष्य यार होना देखे हमारे कौशिक राय महाशय उन्नी लक्ष्मीपुरे उन्नी मूर्ति बसिए उन्नी एक सैड को बसिए हाँ तो ये अनुरोध करब जरा कार्यकर्ता आ আর দিন দিন বাড়ছে টাউন এক্সপ্যান্ড হচ্ছে এদিকে আমার NIT আছে এদিকে আমার মেডিকেল ইয়ে আছে কি বলে ইউনিভার্সিটি আছে হয়তো আগামীতে আরও দিন বাড়বে যখন এটা ফ্লাইওভার হবে আমার ব্যক্তিগত এটা তখন হয়তো মূর্তিটা ঢাকা পড়ে যাবে ফ্লাইওভারের মধ্যে তো আমি অনুরোধ করব যদি আমরা যদি এই চোখে যেখানে হয়তো সাইড করে আমরা বসাই তাহলে আমার মনে হয় যে এই মূর্তিটা থাকবে কেউ সবাই দেখবে ইয়ে থাকবে আর এটা হয়তো ভবিষ্যতে ফ্লাইওভার হওয়ার চান্স আছে কাল যাতে দৃষ্টি অফিস হতো এটা আমার ব্যক্তিগত तब दल सर्वस्थाएं सर्वस्थाएं सपोर्ट करब जाते उन्नार मूर्ति बसे प्रस्तुति दल तरफ और विशेषकर दिलीपर साथ दिलीपर साथ चीफ मिनिस्टर खूब भलो सम्पर्क आम शुने मध्य मध्य मासे दो मास गुवाहाटी जान चीफ मिनिस्टर मध्य देखा है चीफ मिनिस्टर जो एखे बोले देखने MLA MP गार्जियन मिनिस्टर पंचायत क्यों किसान लागू ना चीफ मिनिस्टर उपलब्ध
तो एटा अटकाबे ना। आज का दिन हमारे देश के लिए और हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। हमारे देश पर जब अंग्रेजों का शासन था, गुलामी का जीवन जी रहे थे हम लोग, उस समय जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम क्रांति का बिगुल बजा था, 1857 में पहला बिगुल बजाया था जिन्होंने, पंडित मंगल पांडे जी ने, वो क्रांतिकारी सिपाही थे, अंग्रेजों की सेना में सिपाही थे, लेकिन उन लोगों ने पूरे देश में योजना बनी थी विद्रोह करके अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने की। बैरकपुर में उसकी शुरुआत मंगल पांडे जी ने की थी। जब उन्होंने क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की तो उन्हें गिरफ्तार करने में सबसे प्रथम जिस व्यक्ति का नाम सामने आया था वो हमारे आपके बीच के ही कोई पलटू जी थे, शेख पलटू। ऐसे शेख पलटू लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे शेख पलटू लोग जब पलट जाते हैं, सत्ता में आकर जब वो पलट जाते हैं, मैंने सुना है कि नक्काय खाने में तूती की आवाज सुनी नहीं जाती, किंतु हम ये भी जानते हैं कि कछाड़ में हम सभी की तूती बोलती है, बराक उपत्यका में हम सभी की तूती बोलती है। हो सकता है कि नक्काय खाने में आज तूती की आवाज सुनाई न दे गई हो, किंतु हमारी तूती बोलेगी। हमें मंगल पांडे जी की मूर्ति स्थापना करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सुभाष चंद्र बोस जी को महान बनाने में जितनी उनकी स्वयं की भूमिका थी, उतनी ही भूमिका समूचे भारतवर्ष के लोगों की भी थी। हमारे बंगला समुदाय की भी थी, और बलिया के प्रसिद्ध क्रांतिवीर, प्रथम क्रांति संग्राम के सेनानी, प्रथम बलिदानी जिन्होंने अपना खून बहा दिया, जिन्हें धोखे से फांसी पे चढ़ा दिया, उनकी स्थापना के लिए जिस बलिया के लोगों ने, जिस उत्तर भारत के लोगों ने, जिस समूचे भारतवर्ष के हम हिंदी भाषी लोगों ने बागानों से सजाया, मैं तो इतना ही कहूंगा कि यदि सुभाष चंद्र बोस जी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध सेनानी हैं, तो उनसे कहीं भी कमतर शहीद मंगल पांडे जी नहीं हो सकते। आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं अमर शहीद मंगल पांडे जी की पुण्यतिथि पर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। मैं अब इस अवसर पर उनको अपना श्रद्धा सम्मान अर्पित करता हूँ। बहुत से विषय पर यहाँ पर चर्चा हुई है और सभी का विषय एक ही था कि मंगल पांडे जी का मूर्ति यथाशीघ्र यहाँ पर स्थापित हो। और जो भी है यहाँ पर उपस्थित सभी की भावनाएं ये है कि यहाँ यथाशीघ्र शहीद मंगल पांडे जी का मूर्ति स्थापित हो, और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से ये आशा है कि ये मूर्ति जितना ही शीघ्र हो वहाँ स्थापित होगा। आज हमारे असम के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी ने भी ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से मंगल पांडे जी को नमन किया है, और उनको यहाँ से भी एक वार्ता भेजा गया है कि ये काम अभी अधूरा है, जो आपके विचाराधीन है उसको यथाशीघ्र आपको इसका एक निष्कर्ष देना पड़ेगा, और हमें आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमें अनुमति मिलेगी कि यहाँ मंगल पांडे जी का एक भव्य मूर्ति की स्थापना हो। मैं एक बात यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि मंगल पांडे जी किसी जाति गोष्ठी किसी एक संप्रदाय विशिष्ट के नहीं है, मंगल पांडे पूरे देश के, पूरे भारतवर्ष के हैं,
और आगे आने वाले दिनों में भी जब तक ये देश रहेगा मंगल पांडे जी को याद रखा जाएगा और युवाओं के लिए इस देश के लोगों के लिए मंगल पांडे जी हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। क्योंकि मंगल पांडे जी ने उस समय आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी जब भारतवर्ष में कोई इसके बारे में सोच नहीं सकता था। गुलामी की जंजीरें हम लोगों को इस प्रकार के जकड़े हुए थी कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ जो अंग्रेजी शासन पूर्व से लेकर पश्चिम उत्तर से लेकर दक्षिण पूरे विश्व में छाया हुआ था उसके विरुद्ध कोई एक व्यक्ति खड़ा हो ऐसा कोई साहस करने के लिए सोच भी नहीं सकता था। उस समय मंगल पांडे जी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, सिर्फ आवाज ही नहीं उठाई बंदूक भी उठाई। ऐसे अमर शहीद की मूर्ति हम लोगों के बीच स्थापित हो ये बराक भेजने के लिए हम सभी के लिए एक गौरव का विषय होगा।